नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस भर्ती की जो परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, उस पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही यानी नियुक्ति होने से पहले ही उसकी परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और उसी खबर को मुख्यतः प्रकाशित करते हुए एक अखबार ने ये न्यूज़ हमें दी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या है ये न्यूज़, और जो अभ्यर्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं या जो चयनित हो चुके हैं उनके लिए बड़ी खबर। देखिए, कह रहे हैं 3 साल बाद हुई चंडीगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की, आंसर की पर उठे सवाल, सही उत्तर देने पर भी नेगेटिव मार्किंग, कोई एक तो कोई दो अंक कटने पर चयनित लिस्ट से बाहर। 15, 16 व 17 नवंबर को हुई परीक्षा में 28,227 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। तो 3 वर्षों के इंतजार के बाद हुई चंडीगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा की आंसर की के कई जवाबों पर ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रश्नों का सही उत्तर देने पर भी हजारों विद्यार्थियों का चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाना संभव था। चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने दिसंबर 15 में 520 कॉन्स्टेबलों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इन पदों के लिए पिछले वर्ष 15, 16 व 17 नवंबर को दिल्ली व चंडीगढ़ में परीक्षाएं हुई थी और 28,227 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लेकिन जो अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सही होने चाहिए थे, यानी वो उन्होंने आयोग ने गलत कर दिए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के चलते अंक कट गए हैं और एक एक दो दो नंबर से परीक्षार्थी चयनित लिस्ट से बाहर हो गए हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो मैं आपको बता दूं, कट ऑफ गई है, सामान्य अगर मेल की बात करें तो 83.25 और महिला की बात करें तो 72.5, ओबीसी की बात करें तो 80.50 और महिला की बात करें तो 68.25, एससी की 74.25 और महिला की 61.50, यानी काफ़ी हाई मेरिट रही है। एक्स सर्विसमैन 46 में सामान्य, ओबीसी वाले 30, एससी वाले 33 और सामान्य वर्ग वाले 42.75 में वेटिंग में है। तो पीआरओ बोले कि शिकायत मिली तो जांच कराएंगे। अभी तक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में उनको गलत सही उत्तरों को गलत बताने की कोई शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आती है तो जरूर जांच करवाएंगे। तो कुछ आंसर उन्होंने बताए हैं जिनको कि आयोग ने गलत उत्तर दिया है, हालांकि वो सही होने थे। कैल्शियम का द्रव्यमान, आंसर की उत्तर 0 दिया है, सही उत्तर 40 होना चाहिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया तो की में दिया है 26 जनवरी 1950, सही उत्तर 26 नवंबर 1949, आंसर की में 26 जनवरी 1949 ही तो है यार भारतीय संविधान को, ये यहाँ गलत प्रिंट हो गया, या तो उन्होंने सही उत्तर दिया होगा इसको, और आंसर की में उन्होंने सही उत्तर जो आंसर की में दिया वो ये है, और आंसर की में आपका 26 नवंबर होगा। फिर भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो आंसर की में दिया गया उत्तर है रक्षा मंत्री, और सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, आंसर की में उत्तर दिया है 6, लेकिन सही ऑप्शन है 8, और 8 ऑप्शन ही नहीं दिया। फिर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज थे, कोई आकृति दी गई थी, आंसर की में 3 उत्तर था, लेकिन सही उत्तर उसका 5 है। एक्सपर्ट बता रहे हैं हम इसके उत्तरों की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कानून और व्यवस्था कायम रहने के लिए पंजाब में पुलिस कितने जिले हैं, तो सही उत्तर है 24, आंसर की में 12 दिया है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आंसर की में दिया उत्तर महावीर, और सही उत्तर है ऋषभदेव, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। फिर उपभोग के करने के लिए औसत परिवृत्ति क्या है, तो की में उत्तर दिया गया है माइनस बचत के लिए औसत परिवृत्ति, और सही उत्तर है माइनस उपभोग करने के लिए सीमांत परिवर्ती। परीक्षार्थी हिसार से कुछ परीक्षार्थी, उन्होंने कहा है कि मेरे 79 है, 4 अंक मुझे मिल जाते तो मैं लिस्ट में शामिल हो जाता, तो ऐसे ही कुछ सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए, एक नया ट्विस्ट आया है चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती में, जो 3 साल से लटकी रही थी, अब शायद हो सकता है कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई शिकायत हो जाए और दोबारा से इसका रिजल्ट जारी करना पड़े चंडीगढ़ पुलिस को। लेकिन उम्मीद है कि जिसने मेहनत की है वो अवश्य रहे, उसकी मेहनत पर पानी ना फिरे, और जिसको गलत उत्तर मिले हैं, उसके जिसके साथ जाती हुई है, उसको भी उसका मेहनता ना मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि परीक्षा में सभी की मांगों को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन या चंडीगढ़ पुलिस भर्ती जिन्होंने ली थी वो आगे कोई उचित कदम उठाएंगे। तो चंडीगढ़ पुलिस की भर्ती के रिगार्डिंग आगे की जानकारी के लिए भी बने रहें इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो।